आज रसमलाई केक को खाने की बड़ी इच्छा हो रही है, बट दिक्कत ये है कि ना तो घर में व्हिपिंग क्रीम है और ना ही रसमलाई। अब क्या किया जाए? फिर क्या टेंशन है, आज है हमारे किचन में इसका भी देसी और टेस्टी जुगाड़। सो आइए दोस्तों, बनाते हैं एक रसमलाई फ्लेवर ड्राई टी टाइम केक, जिसमें न तो व्हिपिंग क्रीम की ज़रूरत है और न ही आपको इसमें रसमलाई की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने ले लिया है 350 ग्राम का वनीला प्रीमिक्स और मैंने इसमें ऐड कर दिया 180 ग्राम ऑफ हैवी मिल्क। हैवी मतलब क्रीम वाला मिल्क लेना है। इसके साथ कुछ येलो कलर ड्रॉप और मैंने 3 टेबलस्पून अच्छी क्वालिटी का मिल्क पाउडर डाल दिया है। अच्छी क्वालिटी का आप कोई भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं। और इसको मैंने हैंड ब्लेंडर से उसको बीट कर दिया है। पहले आप ऐसे ही खाली आप उसको घुमाएं, अदरवाइज़ पूरा सा ड्राई मटेरियल पूरा उड़ जाएगा, इसलिए आपको पहले ऐसे ही मिला। मार्केट में रस मलाई फ्लेवर एसेंस मिलता है, मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून एसेंस का ऐड कर दिया है। वापस इसको हम लोग व्हिप अच्छे से बीट करेंगे। बीट करने के बाद बीट तब तक करेंगे जब तक ये फ्रॉथी और फ्लफ़ी नहीं हो जाए, येलो कलर भी लाइट हो जाएगा आपका, इसलिए तब तक आपको अच्छे से बीट करना है। अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 1/2 कप ऑयल। ऑयल आपको बिल्कुल फ्लेवरलेस लेना है, 1/2 कप ऑयल। कोई भी ऐसा शार्प स्मेल वाला नहीं होना चाहिए, जैसे सरसों का नहीं लेना है आपको। प्लेन जो फॉर्चून का, मैंने जो फॉर्चून का सोया ऑयल होता है वो यूज़ किया। इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है, फ्लेवरलेस है और कलरलेस भी है। तो मैंने ये ऐड करके वापस अगेन इसको बीट कर दिया है। आप इसको अच्छे से बीट कर दें, ऑयल जब तक अच्छे से मर्ज नहीं हो जाता तब तक आपको बीट करना है। अब आपको इसके बाद लेना है 1 कटोरी भर के ड्राई फ्रूट्स, मतलब एक मीडियम साइज़ की कटोरी भर के ड्राई फ्रूट। इसमें आपको 1 चम्मच मैदा कोट करना है। इससे क्या होगा, जब आपका केक बन के आएगा तब पूरे केक में ड्राई फ्रूट्स इवनली भी कोट होंगे और नीचे श्रिंक भी नहीं होंगे, नीचे बैठेंगे भी नहीं। कई बार होता है ड्राई केक में सारे नीचे बैठ जाते हैं, तो आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस को अगर फॉलो करते हैं तो आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। सेकेंड थिंग, आपका दूध और सारा रॉ मटेरियल, ड्राई मटेरियल सारा ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, गर्म भी नहीं और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैंने इसको 8 इंच के मोल्ड में केक टिन में डाल दिया है और आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है उसके साथ गार्निश कर दिया। इससे क्या होगा, लुक भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी आ जाएगा। ट्रस्ट मी, बहुत ही डिलीशियस बना है।